सच बोलूं तो रिलेशनशिप के बाद दोस्त रहना बहुत मुश्किल काम होता है। सही बात है नाजली, मुझे क्या पता, मुझे इन बातों का नहीं पता यार। क्या तुमने नमकदान रख दिया है वहाँ? हाँ मैंने चेक कर लिए थे, उसमें से दो तीन टूटे हुए भी थे। लिखो कि हमें कुछ नए बर्तन भी चाहिए। कितने रुमाल आएंगे यहाँ? नहीं पता। ठीक है मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एंगन को किसी और लड़की के साथ देखो तो कैसा लगेगा? डिपेंड करता है, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो मुझे चिढ़ होगी उससे, मैं उसको मारना चाहूंगी, मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल। और अगर वो मेरे सामने आएगी तो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहूंगी। लेकिन अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो मैं उसका सामना करना चाहूंगी, वो भी कुछ खास जगहों पर, खूबसूरती से हरा दूंगी मैं उसे। फतोष तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया यार, यही हमारे ताल्लुक का खुलासा है बस। देखो हमें मौके की नजाकत से अपने आप को चेंज करना पड़ता है नाज़ली। मैं अपनी डायरी में ये सब लिख लेती हूँ। क्या तुम वाकई चाहती हो मैं उनको यहाँ पे बुलाऊं? मैं बहुत खुश थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, बहुत मजे करते हम। हाँ यार लेकिन ये नहीं हो पाया, मैंने ना अपने आप से एक वादा किया था कि अब से मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी। यार फतोष प्लीज बस करो, अब तुम भी मुझसे कोई मशवरा ना लो, देखो जरा मुझे। अरे यार नाज़ली अपना हस्बैंड चुनने में ना कोई भी बुराई नहीं है, तुम समझी मेरी बात को। अब अगर बहन भाई की वजह से गड़बड़ हो जाए तो हमारी गलती तो नहीं ना। मैंने उसका नाम लिया है, उसने मुझे फिर मुसीबत में डाल दिया है। क्या कर दिया उसने? मिस नाज़ली क्या आप किचन में आ सकती हैं? आ रही हूँ, बाद में बात करते हैं। बड़ी ही बेहतरीन टाइमिंग पे आए हो तुम वैसे महमूद। वाकई तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने आप को परेशानी में मत डालना। नाज़ली देखो तुम परेशान नहीं होना मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे देखना। सब बदल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया एक सेकंड में, कैसे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बकवास मत करो फतोष, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। अरे यार नहीं नाज़ली, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम मुश्किल में हो।